हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्मार्ट पे करने जा रहे हैं ई कॉमर्स। सर, ये जो पार्ट फोर अभी आपने देखा है सर, पार्ट फोर और पार्ट फाइव, मेरे हिसाब से सर ये फाइव स्टार टॉपिक है। ठीक है सर, तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप पढ़ते समय इनमें सिंसियरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सिंसियरिटी नहीं होगी सर तो आपको आगे एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम आएगी। सर फाइव स्टार टॉपिक है और मैं टेस्ट भी सर आज शाम को रिटर्न टेस्ट लेने वाला हूँ, तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बेसिस पे ब्रॉडकास्ट में मैं क्वेश्चन रिलीज करूंगा। ब्रॉडकास्ट का लिंक सर टेलीग्राम में है और वो आपको सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सर ये हम कर रहे हैं चैप्टर थ्री चार्ज ऑफ GST और सर टॉपिक का नाम है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है सर जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 2 3 एंड 4 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, प्लस इस चैप्टर में हमने एक सेक्शन और पढ़ा 2 सब सेक्शन 98। सर आपको तो चैप्टर वाइज सेक्शन भी याद हो जाने चाहिए अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे लिटरली। चलिए सर शुरू करते हैं। सर इसमें होने क्या वाला है, इसको समझने के लिए आपको दो नाम याद रखने हैं। एक तो दिमाग में फ्लिपकार्ट, अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं सर, आप अमेजोन का दिमाग में नाम रख सकते हैं। बाकी फिलहाल इन दो का रखेंगे तो भी आपका काम चलने वाला है। ठीक है सर, अभी क्या करते हैं जरा इस पे ध्यान देते हैं। लेट सपोज सर मुझे ना, मैं इनका बंदा इन द सेंस कस्टमर, मेरा नाम विनीत मिश्रा। मैंने क्या किया सर, इनसे कहा कि सर मुझे ना एक बुक चाहिए। ठीक है सर, और मुझे सर रॉबिन शर्मा की बुक बहुत अच्छी लगती है, सुरभि जी की बुक भी बहुत अच्छी लगती है उनकी भी। सर मेरे पास इनकी जितनी भी बुक्स हैं सारे अवेलेबल हैं। सुरभि बंसल की सर जितनी भी बुक्स हैं सर उनकी सारी अवेलेबल हैं। मतलब मैं किसी राइटर की एक बुक पढ़ता हूँ ना तो मैं उसकी लाइफ की सारी बुक्स पढ़ डालता हूँ। ठीक है सर, तो ये मैंने सर फ्लिपकार्ट पे देखा, ठीक है, और देख के गाना गाया, एक नज़र में भी प्यार होता है मैंने सुना है सर। अब ये क्या होगा, इस गाने के बहाने ना आपके दिमाग में मेमोरी चले जाएगी, अरे सर ने गाना गाया था। अब ये पार्ट जो है ना आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। अब सर यहाँ पे लिखी हुई थी सर रॉबिन शर्मा की बुक, ठीक है सर, और टॉनी रॉबिन्स की बुक, सुरभि जी की बुक। तो सर ये मैंने यहाँ पे देखा, ये डिस्प्ले हुआ, मुझे क्या हुआ यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। डिस्प्ले इन द सेंस मेरी आंखें पड़ी, ये रही मेरी आंखें, टेन टेन, और ये मेरी आंखों का ध्यान यहाँ पे गया, ओ माई गॉड। तो सर मैंने कहा ये तो बहुत प्यारी बुक है, मैंने इनको ऑर्डर किया। अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पास ना अपने स्टॉक होता नहीं है, ये क्या करते हैं, ये डीलिंग करते हैं, जो इनके ओरिजिनल सेलर होते हैं या शॉप वाले होते हैं वो इनको, ये ना अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड करा लेते हैं, और वो बोलते हैं कि भैया ये रहे हम, ये रही हमारी किताबें, हम बुक वाले हैं, अगर कोई बुक का ऑर्डर दे तो हमें दे देना। वो कहते हैं ठीक है, तो ये बुक वाले या तो इन्हें दे देते हैं, फिर ये फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले यहाँ दे देते हैं। लेट सपोज इनके पास स्टॉक नहीं है, लेट सपोज इनके पास स्टॉक जो है वो नहीं है, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन के नाम पे आपको भेज देंगे, और नाम किसका आएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, आपको भी नहीं पता चलता भेजी किसने। ठीक है सर, कई बार आप एनालाइज करेंगे ना सर, लेट सपोज कोई बुक का रेट 500 है और कोई सर 450 देता है, कोई 581 देता है, तो सर जरा चेक करना डीलर कौन कौन है, उनके ओरिजिनल डीलर कौन है ना सर। अब इस पे क्या होगा, लेट सपोज इन्हें 500 रुपीज़ मिले मेरे से पर बुक के, अब वो बुक में सर लेट सपोज 50% या जो भी उनका सर 100-200 रुपये लेट सपोज कमीशन हुआ अमेजोन का, फिर ये 400 जो बचते हैं ना सर वो इन्हें वापस पे कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम क्या करते हैं, जरा स्टडी मटेरियल पढ़ के देखते हैं कि स्टडी मटेरियल क्या कहना चाहता है इससे रिलेटेड बातें। कहते हैं सर टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो इसे इको भी बोलते हैं, ई सी इकोप, ठीक है, इको भी बोलेंगे कुछ लोग, जो भी आपको देखो सर इको, ई सी ओ से भी इसे कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इको अंडर द GST, तो आपको बताना पड़ेगा। तो सर ये होता है ऑन नोटिफाइड सर्विस, क्या कहेगा सर, ये टैक्स पे करेंगे नोटिफाइड सर्विस के लिए, ये टैक्स पे करेंगे नोटिफाइड सर्विस के लिए, ये टैक्स पे करेंगे नोटिफाइड सर्विस के लिए। डिस्प्ले प्रोडक्ट, ओ माय गॉड, मुझे क्या दिखा था, मुझे तो बुक्स दिखी थी ना, जैसा मैंने आपको बताया रॉबिन शर्मा की बुक दिखी, तो डिस्प्ले प्रोडक्ट मुझे ना बुक्स दिखाई थी, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, ठीक है सर, एज वेल एज सर्विसेज, और हो सकता है सर्विसेज भी दिखे मुझे, हो सकता है कोई सर्विस भी देता हो, जैसे मैंने कहा कि सर मुझे अपनी ना एक डिज़ाइन करनी है वेबसाइट, तो अब मुझे शायद वो सर्विस दे वेबसाइट डिजाइन करने वाली, आर एक्चुअली सप्लाइड बाय सम अदर पर्सन, एक्चुअली में वो दे तो कोई ऑन रहा है, जो बुक सेलर है वो यहाँ पे सर्विस दे रहा है ना सर, बुक सेलर है वो यहाँ सर्विस दे रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लेट सपोज इसको हम कहानी में और इंटरटेन कर देते हैं, ये रामू काका दे रहे हैं, कौन सर दे रहे हैं, रामू काका।
तो रामू काका जो है सर, ये उनकी बात कर रहा है कि भैया रामू काका सम अदर पर्सन है। तो रामू काका ने क्या किया, सप्लाई की टू द कस्टमर, टू द कंज्यूमर, यानी मुझे दे सकता है वो ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। किसके जरिए सर, फ्लिपकार्ट या अमेजोन के जरिए। द कंज्यूमर बाय सच प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर क्या करेगा सर, उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा या सर्विसेज को ले लेगा, यानी मैं विनीत मिश्रा। सो दीज पोर्टल्स, इन पोर्टल्स के जरिए, थ्रू दीज पोर्टल्स यानी इन पोर्टल के जरिए वो ऐसा करेगा। ऑन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, जब आप किसी ऑर्डर का, पर्टिकुलर ऑर्डर का ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्लेसिंग द ऑर्डर मतलब जब आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, तब क्या होने वाला है सर, ध्यान से सुनना। सप्लायर सप्लाई द सिलेक्टेड प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो सप्लायर होगा ना रामू काका, क्या रामू काका क्या करेंगे, सिलेक्टेड प्रोडक्ट या रॉबिन शर्मा की बुक या वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस वो कंज्यूमर को लाके दे देते हैं। द प्राइस कंसिडरेशन फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कलेक्टेड बाई सीईओ, लेकिन पैसे कौन लेता है सर, ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाले ले लेते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर यानी विनीत मिश्रा से, एंड पास ऑन द एक्चुअल सप्लायर, और रामू काका को इसके बिहाफ पे पैसे देते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन ऑफ बाय द सीईओ बाय द ईसीओ। सर सीईओ निकल रहा है उसके लिए माफी, एक्चुअली मैं सीईओ की बुक आजकल ज्यादा पढ़ रहा हूँ इसलिए, कमीशन बाय द ईसीओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बात पे लाइक और कमेंट जरूर ठोकना कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर समझ में आया तो सर लाइक और कमेंट हो जाए इसी बात पे सर। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ बातें बाकी हैं। वो सर क्या कहता है कि गवर्नमेंट चाहे तो, गवर्नमेंट में नोटिफाई मतलब गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफाई करेगा, कहेगा सुन ले इधर आ, हम कहेंगे हाँ जी बताइए, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, वो ना कुछ ना स्पेसिफिक कैटेगरी हो सकती है, स्पेसिफिक कैटेगरी मतलब जिस जिसका नाम वो लेगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज, इंट्रा स्टेट सप्लाईज का मतलब होता है सर विद इन स्टेट, क्या होता है विद इन स्टेट, इंट्रा और इंटर में हमने पार्ट वन में डिस्कशन किया है, अगर वहां नहीं क्लियर है तो सर सॉरी वहां आप जाके देखिए। पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है और अगर आप नोटिफाई हो तो टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, अगर कहाँ से दिया जा रहा है सर, ईसीओ के द्वारा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा दिया जा रहा है, इंट्रा स्टेट की सप्लाई आप कर रहे हो तो टैक्स भी आप ही को देना पड़ेगा। सर सर्विसेज शैल बी नोटिफाइड, ये जो सर्विसेज हो सकती है नोटिफाइड कर दी जाएंगी। रिकमेंडेशन मतलब रिकमेंडेशन तो आपको पता ही क्या होता है, मतलब उनके कहने पर, जीएसटी काउंसिल के, किसके कहने पर, जीएसटी काउंसिल के कहने पर, तो सर इसको बैक पढ़िए, बैक पढ़ा के दिखाऊं, जीएसटी काउंसिल के कहने पर नोटिफाई कर देंगे उन सर्विसेज को जो कि सप्लाइड की जा रही हैं ईसीओ के द्वारा, और इन्हें ही टैक्स पे करना पड़ेगा अगर ये इंट्रा स्टेट सेल करते हैं तो। ठीक है सर, ओके। अब ये 17/2017, ये नोटिफिकेशन नंबर 17/2017। अब आप कहोगे सर हमें तो याद नहीं होती नोटिफिकेशन, ऐसा करिए सर अगर आप लड़कियां हैं तो आप ये सोचो कि 17 तारीख को आपके बॉयफ्रेंड ने आपको एक डायमंड रिंग दी थी, पक्का याद हो जाएगा। लड़को आप ये सोचो कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको एक किस दिया था, चिक्स पे, गालों पे, डोंट वरी, ज्यादा नॉनसेंस नहीं होना। अब आपको पक्का याद हो जाएगा कि भाई 17 तारीख को ना मेरी बंदी ने मेरे को एक किस दिया था, पक्का याद रहेगा। और लड़कियां ये सोचना डायमंड दिया था, है ना, डायमंड रिंग, तो पक्का याद हो जाएगा नोटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब मैं ऐसे ही याद करवाऊंगा सर, डोंट वरी। और दिनांक क्या थी सर नोटिफिकेशन की, 28/6/2017। अब ये डेट याद रखना, ठीक है सर। मेरी गर्लफ्रेंड को अब मुझे रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, जो उसने मुझे दिया मैं उसे दूंगा। कब है सर मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, 28/6/2017 को। और अपने बॉयफ्रेंड से डायमंड रिंग कब लेनी है सर, 28/6/2017 को। अब आप ये याद रखेंगे ना आपको परमानेंट दिमाग में सेव हो जाएगा, गारंटेड। ठीक है सर, है आपको एक सर याद करने की टेक्निक बताता हूँ, जब भी आपको थ्योरी याद ना हो आप उसे किसी चीज़ से लिंक कर दें, आपको परमानेंट बेसिस पे याद हो जाती है। ठीक है सर। सर मैं ऐसे इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा गला ना फंस जाता है, जुकाम खांसी थोड़ा सा हो जाता है ठंड की वजह से, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है सर, ये कह रहे हैं अगर ये चीज़ें सप्लाई की इसने तो इसे टैक्स देना पड़ेगा। क्या क्या है सर ये सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है सर, पैसेंजर्स को लाने ले जाने की सुविधा दे रही है, कौन दे रहा है सर, रेडियो टैक्सी दे रहा है, मोटर कैब दे रहा है, मैक्सी कैब दे रहा है एंड मोटरसाइकिल दे रहा है। ओ माई गॉड, मतलब अगर रेडियो टैक्सी या मोटर कैब या मैक्सी कैब या मोटरसाइकिल, अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं कि हम पैसेंजर को लाएंगे ले जाएंगे, सर वर्ड देखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में अंतर होता है, क्योंकि अगर उसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लिख दिया तब ये यहाँ पे नहीं आएगा सर, तब ये
28/6 की नोटिफिकेशन में नहीं आएगा, 28/6 की नोटिफिकेशन होने के लिए ये वर्ड पैसेंजर होना चाहिए सर, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो आपको डाल सकता है, इसे हाईलाइट करना सर। अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो सर अपनी कॉपी में से रेड पेन से लिख के एक डब्बा बना देना जैसे मैंने बनाया, ठीक है सर। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, अकोमोडेशन 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 यानी रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, फिलहाल अकोमोडेशन का मतलब यही समझे, वरना सैलरी के चैप्टर में आपको अकोमोडेशन अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, रहने और खाने की सुविधा को अकोमोडेशन बोलते हैं। कौन दे रहा है सर, होटल दे रहा है, होटल में सर्विस दे रही है, ठीक है सर, होटल में सर्विस मिल रही है। कैसी सर्विस है सर, खाने पीने की, इंस में सर्विस मिल रही है, गेस्ट हाउस में खाने पीने की सर्विस मिल रही है, क्लब में खाने पीने और रहने की सर्विस मिल रही है, कैपेसिट्स में खाने पीने की सर्विस मिल रही है, या अदर कोई कॉमर्शियल प्लेसेस है वहां पे खाने पीने की सर्विस मिल रही है। फोर किस लिए, अब देखो सर अकोमोडेशन का मतलब बताया, अकोमोडेशन किस लिए, अब यहां से देखना, अकोमोडेशन फोर सर, यहां पे अकोमोडेशन फोर किस लिए है सर, अकोमोडेशन रहने के लिए और अपने सामान को रखने के, लॉजिंग पर्पस है, सामान रखने को कहते हैं सर, इतनी इंग्लिश पता है, आगे पता नहीं सर। और सर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये यहां से यहां तक, इसको सर अभी आप क्या करो, इसे लिख देना मतलब हम इसकी स्टडी करेंगे बाद में, लिख देना स्टडी बाद में, स्टडी बाद में सर। देखो मैंने भी अपने नोट्स जब बनाए हैं ना, तो मैंने भी उसमें यही किया है, मैंने भी बच्चों को यही बोला है कि बच्चों वेट करो, मैं आपको इसे बाद में समझाऊंगा, रुको सर दिखाता हूँ आपको, वरना आपको तो भरोसा ही नहीं होता टीचर पे। ये सर देखो, ये मैंने देखो सर यहाँ लिखा है ना, इसको हाईलाइट करके कि भैया मैं इसे आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वाले बात जो है हम बच्चों को बाद में समझाएंगे, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के साथ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसे नहीं पढ़ेंगे। तो सर वही बात है जो आपको स्टडी मटेरियल ने पढ़ा है, मैंने इसको थोड़ा कलर डिजाइन कर दिया है। अगर नोट्स चाहिए हो तो सर ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट देता रहूंगा, आपको मिलते रहेंगे, ठीक है सर। बाकी सर सेम है, बस बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कलर नोट्स, इसलिए मैंने थोड़ा कलर बना दिया हाईलाइट करते हुए वर्ड्स को, बाकी ये नॉर्मल है सर जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सर ये बाद में पढ़ना है, बाकी यहाँ तक का मतलब समझ में आ गया कि भैया होटल में, इंस में, गेस्ट हाउस में और क्लब में। अगर सर एक आध वर्ड नहीं समझ में आ रहा, जैसे इंस का नहीं मतलब पता, गेस्ट हाउस का मतलब नहीं पता, तो एक सर हिंदी खोज डिक्शनरी होती है, ये वर्ड टाइप करो और मीनिंग वहां पे देख लेना, ठीक है सर। क्योंकि आप सीए के स्टूडेंट हैं, एक आध वर्ड्स नहीं पता तो एक आध हार्डवर्क खुद से भी कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल, सर ये वाली बात मैंने क्या कहा, हम 22-1 में पढ़ेंगे। ओके अब ये वाली बात मैंने आपको छुड़वा दी। अब सर इसके बाद क्या है स्टडी मटेरियल में, इसके बाद स्टडी मटेरियल ने सर ये मोटर कैब और इन सब की डेफिनेशन बताई है, जो मेरी हिसाब से 0% रिलेवेंट है। आप यहां लिख देना सर 0% रिलेवेंट, लेकिन एक बार आज वीडियो खत्म होने के बाद स्टडी जरूर कर लेनी है, ठीक है सर। एक बार वीडियो खत्म होने के बाद स्टडी जरूर कर लेनी है, क्योंकि ये सारी बातें वो नहीं पूछेगा, ये बस वो इसलिए बता रहा है कि कुछ बच्चे छोटे से होते हैं, बच्चों टाइप के, जिन्हें कुछ नहीं पता होता, उनको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, ठीक है सर। ये वर्ड मीनिंग आप खुद से देख लेंगे। तो अब मैं सर अपने बेयर एक्ट पे आता हूँ कि बेयर एक्ट ने इस प्रोविजन को कैसे डिक्लेयर किया, क्या समझाया 9(5) के अंदर, मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है सर। सर ये देखिए इतना लंबा सा इसने प्रोविजन डाल दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए सर। कह रहे थे गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो ऑन दी रिकमेंडेशन, मतलब अपनी सुनवाई के दौरान, और सुनवाई कहाँ होगी सर, काउंसिल में होगी, और वो नोटिफिकेशन डाल देंगे, क्या कहेंगे भैया स्पेसिफिक स्पेसिफाई कैटेगरी जो है, स्पेसिफाई कैटेगरी जो है, मतलब डाला नहीं है डाल देंगे, क्या कह रहे हैं, डाला नहीं है डाल देंगे, जो स्पेसिफाई कैटेगरी है, जो सर्विसेज दे रही है जो कि टैक्सेबल है, ठीक है सर, सर्विसेज दे रही है जो कि टैक्सेबल है, और वो इंट्रा स्टेट है, क्या है सर, इंट्रा स्टेट है, क्या है सर, इंट्रा स्टेट है, सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और ये सर कौन कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है, ठीक है सर। ये सर्विसेज कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा है। इफ सच सर्विसेज, अगर ये जो सर्विसेज है आर सप्लाइड, अगर दी जा रही है थ्रू बाय इट, किसके द्वारा सर, ECO, ठीक है सर, इको के द्वारा दी जा रही हैं अगर ये सर्विसेज, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी अप्लाइड टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ये सारी जो कंडीशंस है वो लग जाएंगी, एज इफ ही इज द सप्लायर लाइबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब हम मान लेंगे कि आप ही उसके लिए सप्लायर हैं, इसका मतलब सर समझाता हूँ, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है, डोंट वरी, एक टीचर अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे के बिना कहीं समझ जाए कि समझाना क्या है। वो ये कह रहा है भैया फ्लिपकार्ट था, फ्लिपकार्ट ने विनीत मिश्रा को सर्विस दी, लेकिन
रामू काका के बिहाव पे दी, रामू काका के बिहाव पे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि रामू काका टैक्स देंगे, हम कहेंगे कि फ्लिपकार्ट वाले ही टैक्स देंगे, हम ये कह रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे रामू काका टैक्स देंगे, आपका जो इनका आपस में रिलेशन है वो देखते रहो, हम आपको पकड़ेंगे, टैक्स आपको देना है। सर वो ये बात कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब वो इंडिया में नहीं आता, टैक्सेबल टेरिटरी तो इंडिया की है सर, हमने पढ़ा था फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के अंदर, एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पज इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लाइबल टू पे टैक्स। अब बोलो भैया ये तो दोबारा से नहीं समझ में आया, तो डोंट वरी सर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके सर जी यहाँ पे जिंदा है और हम आपको समझाएंगे कि ये क्या कह रहा है। सर वो क्या कह रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सुंदर सा डायग्राम बना के सर मैंने आपके लिए पहले ही कोशिश की थी बनाने की। ये सर हो गया इको, अब इको के अंदर सर तीन बातें आएंगी, ठीक है सर। सर पहली बात होगी कि भैया ये टैक्सेबल टेरिटरी में है, टेरिटरी को सर टीटी बोल देता हूँ, टेरिटरी, तो भैया कौन टैक्स पे करेगा, इको भाई साहब, ठीक है। लेकिन दूसरा केस हो सकता है कि ये नहीं है, नो प्रेजेंस, इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, अगर इनका कोई अस्तित्व नहीं है सर तो इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इको उसको सर देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन हो सकता है ना तो इको भाई साहब टैक्सेबल टेरिटरी में है, ना तो इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेबल टेरिटरी में है, नहीं है सर, दोनों ही नहीं है, तो इन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा, तो इन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव। इस केस में क्या था, पहले से रिप्रेजेंटेटिव था, इस केस में है कि रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ना तो ये इको भाई साहब है, कोई भी नहीं है, तो सर इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। इसी के साथ छोटी सी बात सर और बता देता हूं, वो ये कि सर रिवर्स चार्ज के केस में जो टैक्स देता है सर वो रिसिपिएंट देता है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ठीक है सर। स्पेलिंग सर चेक कर लेना रिसिपिएंट की, ठीक है सर, मुझे नहीं पता, आप लिख लेना, रिसिपिएंट ही टैक्स देगा। ई कॉमर्स के केस में, ई कॉमर्स के केस में हमें कुछ नहीं पता, टैक्स ई को कोई देना है, हमें कुछ नहीं पता, हम क्या बोलेंगे, हमें कुछ नहीं पता, टैक्स देगा इको वाला ही। लेकिन फॉरवर्ड चार्ज जो सर हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, फॉरवर्ड चार्ज के केस में सर कौन देता है, सप्लायर जो होता है वो टैक्स देता है। सर ये कंक्लूजन था अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका, ठीक है सर। तो इसी के साथ अलविदा चाहूंगा और आज के लिए बस इतना ही, बहुत टफ टॉपिक हो गया है सर आज का, ठीक है सर, लेकिन इतना अगर आपने आज कर लिया तो बहुत है सर। आज का टारगेट है सर पार्ट 4 एंड पार्ट 5 पे फोकस करना। वीडियो पसंद आए सर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, अगर सब समझ में आया तो भी सर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को सर 2 से 3 बार देखो, ठीक है सर। ऐसा होता है कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता तो मैं उसी वीडियो को बार बार उसी लाइन से चालू कर करके सुनता हूँ कि क्या मतलब हुआ, ठीक है सर। और बाकी सर मेरी ईमेल आईडी cahub.007@gmail.com, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। बाकी सर ब्रॉडकास्ट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक सब सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है सर। फिर अलविदा चाहूँगा, इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं फिर से सर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।